सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स की ग्रुपिश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। This video is brought to you by AnyTrans. Check description for more information. दोस्तों यहाँ पे आपके लिए है एक छोटी सी सैड न्यूज, इनफैक्ट मेरे लिए है एक बहुत बड़ी सैड न्यूज कि मैं दोस्तों लखनऊ आने वाला था 24 दिसंबर को। वो प्रोग्राम फिलहाल चल रहा है ऐसे ही डावाडोल, शायद दोस्तों प्रोग्राम जो है वो नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा आने वाले टाइम में ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे। आप दोस्तों जुड़े रहो, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं आपसे मिलूंगा परसों 24 दिसंबर को, वरना फिर हम आगे कभी बहुत ही जल्दी मिलेंगे। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे तो गुड न्यूज है, रोहित शर्मा ने मार दिया है आज 35 बॉल्स में अपना शतक कंप्लीट। लेकिन श्रीलंका थोड़ा अच्छा खेल रहा है, मैच यूं ही चल रहा है, बताना मुझे नीचे कौन जीतता है हम दोनों में से। और यहां दूसरा पहला अपडेट है वो निकल के आता है भैया गूगल की तरफ से। अब दोस्तों गूगल ने बता दिया है कि एंड्रॉइड ओरियो में मिलती हैं हमको क्या क्या लेटेस्ट सिक्योरिटी एनहांसमेंट्स, यहां पे जो फोन है वो कितना सिक्योर बन जाएगा अगर हम काम में लेते हैं एंड्रॉइड ओरियो को। तो मैं गूगल से कहना चाहूंगा कि सर सिक्योरिटी दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि हमको एंड्रॉइड ओरियो ही नहीं मिलता है। यहां पे सिर्फ 0.5% ऐसे मोबाइल फोन हैं जिनमें है एंड्रॉइड ओरियो, तो ऐसे में अभी सिक्योर भी शायद फिर वो 0.5% ही होंगे। देखते हैं कि यहां पे आपके फोन में एंड्रॉइड ओरियो का अपडेट कब तक आता है। दूसरा अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहां पे OnePlus 6 को लेके, और रिपोर्ट से कहती है कि ये जो OnePlus 6 है ये आ सकता है मार्च 2018 तक, और यहां पे हमको देखने को मिल सकता है अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर। अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली उसमें फोन कब तक आता है, और अगर ये मार्च में आ जाएगा तो मतलब लोग ना OnePlus से दुश्मनी कर लेंगे कि मतलब OnePlus 5 आया, कुछ टाइम के बाद में 5T आ गया, कुछ टाइम के बाद में 5T स्टार वॉर्स आ गया, जिन्होंने अभी ये फोन लिया है 3 महीने के बाद में नया फोन आ जाएगा, तो मतलब यार फिर तो थोड़ा धोखा लगता है लोगों को। देखते हैं कि OnePlus 6 मार्केट में कब तक आता है। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो एक बहुत ही कमाल की रिसर्च को लेके, और यहां पर दोस्तों एक ऐसी स्टूडेंट जो देख नहीं सकती थी वो अब दोस्तों देख सकती है, चीजें समझ सकती है, सामने कुछ लिखा हुआ पढ़ सकती है, क्योंकि दोस्तों वो यहां पर काम में लेती है बहुत ही कमाल के हाईटेक वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के कुछ दोस्तों मिक्स वाले हेडसेट को, जो दोस्तों सामने देखता है, लोगों को चेक करता है, लोगों के इमोशंस क्या है वो दोस्तों डायरेक्टली बताता है इन स्टूडेंट को। तो ये एक बहुत ही कमाल की चीज है, जहां पे दोस्तों लोग अगर देख नहीं पाते हैं वो अगर ऐसे हेडसेट्स पहन ले तो वो एटलीस्ट अपनी दुनिया में नेविगेट कर सकते हैं शायद और बेहतर तरीके से, चीजों के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, सामने लोगों को पहचान सकते हैं अगर वो काम में लें कि नहीं ऐसे एडवांस्ड ग्लासेस को। दूसरा अगला अपडेट है वो निकल के आता है भैया यहां पर रिलायंस जियो की तरफ से, और ये दोस्तों लेके आ गया हमारे लिए एक बार वापस से हैप्पी न्यू ईयर 2018 वाला ऑफर। ये नहीं है कि 3 महीने आपको मिल जाएगा फ्री, यहां पे दोस्तों एटलीस्ट अभी आपको 199 रुपए के अंदर मिलता है पूरे 28 दिनों तक रोज का 1.2 GB डेटा। अगर आपको चाहिए रोज का 2 GB डेटा दोस्तों यहां पे जो प्लान है वो है 2999 का। बाकी इसके अलावा कुछ और प्लान है, कुछ है नए कुछ है पुराने, तो रिचार्ज करवा लो अगर आपके घर में रेंज आती है अच्छी जियो की, वरना स्विच कर जाओ आइडिया एयरटेल एयरसेल वोडाफोन BSNL जितने भी हैं ऑपरेटर्स उनमें से किसी के भी पास। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहां पे ट्विटर की तरफ से, और यहां दोस्तों ट्विटर ये बोलता है कि भैया अगर आपके अकाउंट के बारे में कोई पूछती है लोकल अथॉरिटी तो हम यहां पे आपको भी इन्फॉर्म करेंगे कि भाई किसी ने आपके बारे में हमसे पूछा है। इसके अलावा अगर आप कभी कोई ट्वीट नहीं कर पाते हैं तो उसके पीछे क्या रीजन है वो भी आपको बताएंगे कि भैया आपके अकाउंट को हमने क्यों होल्ड पे रखा है। क्योंकि आजकल दोस्तों होता ही है ये बड़े लेवल पे कि मतलब लोग जो है वो ट्विटर इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह का ठीक फायदा उठाते हैं, मतलब ठीक नहीं गलत फायदा उठाते हैं, और बाद दोस्तों उनके अकाउंट को किया जाता है ब्लॉक। तो यहां पे ट्विटर जो है वो आपको पहले इन्फॉर्म करेगा भैया आप जो है वो गलत काम कर रहे हो, इसीलिए हमने आपके अकाउंट को रोका है फिलहाल। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहां पे 5G को लेके, और यहां दोस्तों इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो धीरे धीरे बिल्डअप की जा रही है, जहां पर रिपोर्ट भी ये कहती है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में हम 2018 में ही देख लेंगे शायद 5G को। इसका मतलब दोस्तों जो अभी फोन आने वाले हैं आगे शायद उनमें 5G का सपोर्ट होगा। अगर यहां पे स्पेसिफिकेशन क्लियर होंगे उसके बाद में दोस्तों बनेंगे पहले मोबाइल फोन्स, उसके बाद बनेगा यहां पे नेटवर्क, और उसके बाद दोस्तों हम काम में लेंगे 5G को। अभी ऐसे में आप मुझे बताओ कि वो पहली कौन सी कंपनी होगी जिसका फोन जो है वो आएगा 5G सपोर्ट के साथ में, देखते हैं कि आपका गेस ठीक निकल पाता है या नहीं। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है दुनिया के सबसे छोटे मोबाइल फोन के लिए, और ये दोस्तों एक बहुत ही छोटा सा मोबाइल फोन है फिलहाल चल रहा है प्रोजेक्ट किकस्टार्टर पे, जो प्राइस है वो है $40, यहां पे जो वेट है दोस्तों वो है सिर्फ 12 ग्राम, और ये बस छोटा सा फोन है। अब इसमें बात कर लो, मैसेज भेज लो
लेकिन इतने इतने ऐसे बटन है, आप मैसेज भी कैसे भेज पाओगे। हालांकि दोस्तों ऐसा फोन है कि मतलब आप जो है वो अपने जीन्स की जो कॉइन पॉकेट है उसमें डाल के भी इसको काम में ले सकते हो। और बहुत ही चिंदी सा फोन है, कुछ सिक्के से थोड़ा सा बड़ा है, और फोन वैसे मुन्ना भाई के बड़ा काम आ सकता है। मुझे बताना जरूर आप नीचे कॉमेंट्स में। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है, वो है प्रिंटेबल मेटल सर्किट्स को लेके, जो दोस्तों अभी जो है वो रियलिटी बन चुके हैं। यहाँ पे हम फ्लेक्सिबल प्रिंटेबल मेटल सर्किट्स को बड़े आराम से प्रिंट कर सकते हैं, जिसके बाद दोस्तों आगे जाके जो वियरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह होंगे वो हम और अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। जहां पे हम प्रॉपर सर्किट्स को प्रिंट कर रहे हैं जो कि हैं तो मेटल के, लेकिन उनको हम प्रिंट कर रहे हैं तो दोस्तों ये काम बल्क में हो सकता है। उसके बाद में आपकी टी शर्ट पहन लो, लगे हैं बटन वहां पे, बल्ब लगे हैं, तो मतलब मजा आ जाएगा। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है, वो है यहाँ पे एप्पल की तरफ से। और यहाँ दोस्तों एप्पल ने मान लिया था कि भैया हम करते हैं हमारे पुराने आईफोन्स को स्लो, तो यहाँ पे दोस्तों लोगों ने फाइल कर दिए हैं एप्पल के खिलाफ लॉ सूट कि ऐसे कैसे हमारे फोन्स को स्लो कर सकते हो हमको बिना बताए, हम इसका मतलब जो है वो धोखे में जी रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोगों ने जो है वो लॉ सूट फाइल करने स्टार्ट कर दिए हैं एप्पल के अगेंस्ट। अभी देखते हैं कि एप्पल इस बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी से कैसे बाहर निकल पाता है, क्योंकि एप्पल ने खुद नहीं मान लिया कि हम फोन्स को जो है वो स्लो कर देते हैं, तो लोग बोलते हैं कि इसका मतलब तो हमको हमारे पैसे की वैल्यू नहीं मिल रही है, हमने फोन खरीदा था नया और अब जो है वो फोन कर देते हो आप जानबूझ के स्लो, इसका मतलब आपने हमारे साथ में धोखा किया है। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है, वो है Xiaomi के Mi Max 3 को लेके। रिपोर्ट दोस्तों कहती है कि इस फोन के अंदर आ सकता है 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला स्क्रीन, और जो स्क्रीन साइज होगा वो होगा 7 inches का, जो बैटरी होगी वो होगी 5500 mAh की। यार लेकिन 7 inch का स्क्रीन अगर कर देंगे तो फिर वो फोन बचेगा क्या, कहीं वो टैबलेट तो नहीं बन जाएगा? मतलब यार इतना बड़ा मतलब अगर फोन बना दिया उसको आप कैसे यूज करोगे? मतलब क्या आप दोस्तों कंफर्टेबल हो अगर आप यूज करते हो Mi Max 2 ऑलरेडी जो भी मार्केट में है, या फिर क्या आप 7 inch का एक फोन इमेजिन कर सकते हो? मुझे बताना जरूर नीचे कॉमेंट्स में। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है, वो है यहाँ पे नीति आयोग की तरफ से, जो दोस्तों हमको ये बताता है कि इंडियंस जो है वो हर महीने दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा कंज्यूम करते हैं। वो तो ऑब्वियस बात है भैया, जब से इंडिया में लगी है डेटा की आई है बाढ़, तब से तो भैया जो लोग हैं वो रोज का 1 GB यूं निकल जाता है कि मालूम भी नहीं चलता है। और यहाँ पे दोस्तों इंडियंस जो है वो हर महीने 150 करोड़ GB डेटा यूज करते हैं। कमाल बात है ना, ये सिर्फ मोबाइल डेटा है, बाय द वे दोस्तों ये आपके घर का ब्रॉडबैंड नहीं है, ये सिर्फ मोबाइल डेटा है 150 करोड़ GB, जहां पे हम US और चाइना से आगे हैं। तो ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम इंडियंस के लिए। और मजे की बात यह है कि इंडिया में मोबाइल डेटा की स्पीड बहुत कम है, फिर भी हम सबसे ज्यादा डेटा यूज कर पाते हैं, क्योंकि हम में एक चीज है जिसको हम कहते हैं पेशेंस। फर्क नहीं पड़ता पेज लोड भी हो रहा है तो भी हम तसल्ली के साथ में इंटरनेट को यूज करते हैं बड़े आराम से अपने मोबाइल फोन्स पे। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है, वो है यहाँ पे यूट्यूब को लेके। और अगर आप यूज करते हैं कोई भी iOS वाला डिवाइस, तो यहाँ पे दोस्तों आ गया है एक नया अपडेट, जिसके बाद में अगर दोस्तों कोई वर्टिकल वीडियो है या अगर कोई स्क्वायर वीडियो है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो प्लेयर विंडो है वो दोस्तों उसका साइज जो है वो चेंज हो जाएगा, जिसके चलते आपको बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा वीडियो व्यूइंग का, जहां पे आपको ब्लैक बार्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये अपडेट तो फिलहाल आया है iOS में, और आगे चल के शायद आपको एंड्रॉइड के अंदर भी अपनी ऐप में ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। दूसरा अगला अपडेट आ रहा है, वो है यहाँ पे Google Play को लेके। और यहाँ दोस्तों चल रही है 12 दिनों की डिस्काउंट वाली सेल, जहां पर दोस्तों आप गेम्स, एप्स, बुक्स, मूवीज या म्यूजिक वगैरह जो है वो बहुत ही कम प्राइस पर परचेज कर सकते हैं। मूवीज को आप रेंट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप जो एप्स वगैरह गेम्स वगैरह उनको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल रहा है 80% तक का डिस्काउंट, तो ये बहुत ही अच्छी बात है अगर आपको पायरेसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आपको ऑफिशियली पैसे देके ऐप्स या गेम्स खरीदने हैं तो आप बड़े आराम से यहां पे इन डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है, वो है Xiaomi S10 Lite को लेके। और ये दोस्तों इंडिया में आ गया है सेल्फिस्तान, वेलकम टू सेल्फिस्तान। मतलब पता नहीं समझ नहीं आता ना, इतने सारे फोन्स हैं, इतने सारे सीरीज हैं। ये दोस्तों है 16 MP का फ्रंट कैमरे वाला फोन, जो प्राइस है वो है 16,000, और जो मिलता है प्रोसेसर वो है स्नैपड्रैगन का 427। मतलब क्या तीर मार दिया है यहां पे, सेल्फी 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 सेल्फी, कुछ बोलने का ना मन नहीं करता इसके बाद में। तो सामने जो अगला अपडेट है वो भी निकल के आता है कि ऐसी ही न्यूज को लेके, यार यहाँ पे एयरटेल जो है वो ऑफर करता है सेलकॉन का स्टार 4G प्लस मोबाइल फोन, जो इफेक्टिव प्राइस है वो है 1249 rupees। लेकिन उससे पहले आपको ये फोन यूज करना पड़ेगा रगड़ रगड़ के 3 साल तक, और आपको देने पड़ेंगे करीब 6,000 रुपए। उसके बाद आप पाएंगे अपने एयरटेल के पेमेंट्स बैंक अकाउंट में 1500 रुपए का कैशबैक, तो जो फोन की इफेक्टिव प्राइस है वो आ जाएगी 1249 रुपए। मतलब यार क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, पता नहीं कोई भी फोन लेके आते हैं मुंह उठा के, कार्बन का ये इसका वो, मतलब यार भाई प्लीज ऐसे ऑफर्स मत निकालो। ये ऐसा सेलकन का फोन है, ये तुम्हारा 6 महीने चल नहीं पाएगा, मतलब कोई इसको लेके फंस जाएगा बाद में, 3 साल तक यूज करे तब जाके कैशबैक मिले, मतलब
बहुत ही घटिया और बेकार ऑफर्स हैं। प्लीज यार एयरटेल वोडाफोन वगैरह जो भी ऑफर्स निकाल रहे हैं ना, आप इनके चक्कर में मत फंसो, और अगर ये ऑफर्स ऐसे निकालना बंद करें तो शायद कुछ भलाई होगी। और यहाँ पर दोस्तों फाइनली अभी बात आती है गिव अवे कॉन्टेस्ट की, जो अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हो क्या, हाँ ये आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कल चलाया था गिव अवे कॉन्टेस्ट, जहाँ पे जो प्राइज है वो है फ्लिपकार्ट के बिलियन कंपनी वाला कैप्चर प्लस स्मार्टफोन। पुराना रिजल्ट जो था उसके अंदर कुछ पंगा आ गया था, रिजल्ट जो दोबारा निकलने वाला है मैं लोड कर चुका हूँ, बटन दबाता हूँ। और जो विनर है वो है भैया सौरभ कुमार। तो सौरभ कुमार, मैं आपके अकाउंट को यहाँ पे कर लेता हूँ अलग से बुकमार्क, और आप जीत गए हो फ्लिपकार्ट की बिलियन कंपनी का कैप्चर प्लस मोबाइल फोन। आप मेरे को यूट्यूब में मैसेज ऑप्शन पर आके इनबॉक्स करो, अपनी डिटेल्स बता दो, मैं आपकी आईडी वेरीफाई करूंगा और उसके बाद में इसको एक बार बुकमार्क कर लेता हूँ, आप तक पहुंचा दिया जाएगा कैप्चर प्लस स्मार्टफोन। आपने कैप्चर कर लिया गिव अवे कॉन्टेस्ट को। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपको रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।